और ये माशाल्लाह से देख सकते हैं क्लीनिंग यहाँ पर जो है ना चल रही है बहुत ही, और पूरा हरम जो है ना खाली एक तरफ से आपको नज़र आ रहा है। रमज़ानों में मैं वीडियो बनाया था पिछली बार, तो यहाँ पर जो है ना इतना आजी था कि, तो माशाल्लाह से अभी जो है ना दोस्तों क्लीनिंग चल रही है हरम शरीफ की, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो सभी भाई लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें, और काफ़ी कमेंट ये आ रहे थे कि हरम के लिए वीज़ा और कैसे मिल सकती है, तो इंशाल्लाह हम आपको बताने वाले। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहाँ जाएँ डीएम में इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से अभी आ चुके हैं किंग फहद गेट के सामने, ये देख सकते हैं मीनार, और अभी जो है ना हरम एक तरीके से खाली हो चुका है पूरा, क्योंकि अभी उमरा पूरा सही तरीके से बंद कर दिया गया है, उमरे पे लोग कोई भी नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हाजी लोग जो है ना 9 तारीख़ को, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मदीना शरीफ में आ चुके हैं, तो अभी वो मदीना शरीफ में हाजी लोग रहेंगे, और फिर इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद जो है ना हम हरम शरीफ में यानी मक्का हरम शरीफ में आएंगे, तो फिर यहाँ पर जो है ना रश इतना हो जाएगा कि यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और अभी हम मौजूद हैं क्लॉक टावर के तहत, ये नीचे सामने क्लॉक टावर के, सभी भाई लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की भी। 79 गेट है माशाल्लाह से, और अभी हम जाएंगे हरम शरीफ के अंदर इसी रास्ते से। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा वर्क जो है ना यानी हरम की क्लीनिंग स्टार्ट है, यहाँ पर मशीनें चल रही हैं, ये देख सकते हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, सभी साथी हैं हमारे माशाल्लाह से। तो अभी हरम जो है ना पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि कोई भी हाजी अभी इधर नहीं है, सारे हाजी जो है ना उमरे बंद कर दिए गए हैं हज के लिए, और हज के लिए हाजी लोग जो है ना मदीना शरीफ में आ चुके हैं। तो गाइज़ माशाल्लाह अभी हम मौजूद हैं नया अब्दुल्ला हरम जो बन रहा है, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इधर भी जो है ना कोई भी हाजी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, एक दो हाजी माशाल्लाह से आ रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि उमरा तो है सब उमरा बंद कर दिया गया है अभी, और हज की तैयारी है फुल, और हज के लिए हाजी जो है ना मदीना शरीफ में भी आ चुके हैं। और माशाल्लाह से ये देखें अभी जो है ना पूरी तरीके से हरम खाली हो चुका है, कोई भी हाजी दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर इतना हाजी होता था ना कि रमज़ान के टाइम तो यहाँ पे पैर रखने भी जगह नहीं मिलती थी, और अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कोई भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद जो है ना फिर रौनकें वापस आ जाएंगी। और माशाल्लाह से ये सामने एक टावर दिख रहे हैं, इसमें जो है ना एक मस्जिद है, और दुनिया में सबसे ऊँची मस्जिद का खिताब इसको मिल चुका है माशाल्लाह से। और यहाँ पर जो है ना क्लीनिंग वगैरह के लिए जो है ना मशीनें चालू करें, तो आपसे मुलाकात करेंगे और आपसे बात करके इंशाल्लाह सारा हरम के बारे में इंशाल्लाह बताएंगे कि आप किस तरह से ये हरम शरीफ की जॉब आप कर सकते हैं, कहाँ से आप अप्लाई करें, और किससे आपको बात करनी पड़ेगी ताकि आप हरम शरीफ में जो है ना जॉब कर सकें। ये माशाल्लाह से बहुत ही किस्मत वाले हैं और माशाल्लाह से खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह पाक ने अपने पाक घर के लिए चुना है, सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए। और माशाल्लाह ये खूबसूरत नज़ारा आप देखें मस्जिदुल हरम शरीफ का, तो अभी जो है ना क्लीनिंग चल रही है, और ये मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सारा सिस्टम जो है ना कंप्यूटर का इसमें रखा है, ये देख सकते हैं। और ये सामने फ़ोन के अंदर जो बैटरी होती है ना चार्जिंग की वाली, उस तरह से इसमें चार्जिंग का सिस्टम है, अभी 100% बैटरी है, तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे इसके डिटेल सब कुछ। अभी फ़िलहाल जो है ना हरम शरीफ की क्लीनिंग भी जो है ना उसकी इंशाल्लाह जानकारी आपको दें कि किस तरह से यहाँ पर क्लीनिंग चलती है। तो ये सामने जो है ना पानी लगा रहे हैं, और एक वाइफर जिसको बोलते हैं यहाँ पे अरबी में बोलते हैं मसा, तो उसको जो है ना ये लोग लेके जा रहे हैं, बाकी ये मशीन सारा कुछ क्लीनिंग कर रही है, यानी उसको पानी को उठा भी रही है, और जो अंदर इसके ब्रश वगैरह हैं वो चल रहे हैं, और ये ऐसा कुछ पानी में जो है ना मिलाते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही खुशबू होती है इसके अंदर, और ये यहाँ पर मिलता भी नहीं है अलग से ही यानी। तो माशाल्लाह से ये जो है ना पानी डाल रहे हैं, और बाकी मशीन यहाँ पर चल रही है क्लीनिंग वाली, और माशाल्लाह से हाजी जो है ना बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम ही है हज का टाइम है,
और उम्रे सारे बंद कर दिए हैं हाजियों के लिए। तो सिर्फ़ अभी हरम के अंदर जो आसपास के हाजी लोग हैं बस वही आ सकते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ या तवाफ़ करने के लिए या उम्रा करने के लिए। तो अभी क्लीनिंग यहाँ पर जारी है दोस्तों, और ये तो अभी जो है दोस्तों ऊपर आ चुके हैं और इधर जो है ना नमाज़ अभी असर की हो रही है। तो ऊपर का नज़ारा दिखाएँ, उसके बाद इंशाल्लाह की पूरी जानकारी इंशाल्लाह आपको देने वाले, और किस तरह से आप हरम शरीफ में जॉब कर सकते हैं, यानी कहाँ से अप्लाई करें या किससे बात करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह सब कुछ हम बताने वाले। ये देखिए माशाल्लाह से सामने क्लॉक टावर है और ये गुम्बद बन रहा है, यानी तोसिया गुम्बद है ये, और सामने है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी इंशाल्लाह खाने काबा की भी ज़्यारत आप लोगों को कराएंगे ऊपर से, और ये तो नमाज हो रही है अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से है, या नमाज़ पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, तो वर्कर लोग यहाँ पे अभी नमाज़ पढ़ने, और अभी चलते हैं काबे की तरफ, और इंशाल्लाह इधर भी अभी नमाज हो रही है देख सकते हैं लाइव। Allah